Welcome back to my channel. So after very long time, I think 3 weeks हो चुके हैं मुझे वीडियो ना डाले हुए. So मैं 3 weeks ही इसलिए नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी बहन की शादी भी आ रही है और उस चीज़ में मैं बिजी थी शॉपिंग वगैरह में और मेरे रूम में भी थोड़ा रिनोवेशन चल रहा था. सो इस वजह से मैं वीडियोस शूट भी नहीं कर पाई और ना ही अपलोड कर पाई. मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी. सो फाइनली आई एम बैक आफ्टर 3 weeks. सो आज मैं करने वाली हूँ मिंत्रा शॉपिंग हॉल और इसमें आज फर्स्ट टाइम मैं मेरे चैनल पे पहली बार मैं ये वेस्टर्न क्लोथ के अलावा इंडियन वेयर का करने वाली हूँ. सो मैंने बहुत सारे कपड़े देखे और ये कपड़े मैं बताऊँ तो एटलीस्ट 2 मंथ हो चुके हैं क्योंकि 3 वीक से मैं वीडियो नहीं डाली. उसके पहले मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगवा के रखी थी और ऐसे कि ऐसे पड़े रहे क्योंकि मुझे इसका वीडियो बनाना था. सो मैंने इस बार सोची कि आप लोग की बहुत लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ इंडियन वेयर में भी मैं करूं और ताकि आप लोग को भी पता चले. काफ़ी लोगों को मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा लग रहा था. गाइस मैंने यहाँ पे 2 कुर्तीज एंड 2 कुर्ता सेट ली हूँ मैंने. सो आज आपको बताऊँगी प्राइसिंग और इसकी क्वालिटी कैसी और पहनने में कम्फर्टेबल है ये कि नहीं. और हमेशा की तरह इस वीडियो में आपको इसका ट्राई ऑन हॉल नहीं मिलेगा. सो मैं ये कपड़े को पहन के नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. पैन हॉल भी जल्दी आएगा सो प्लीज़ वेट करना. तो मैंने इसमें बहुत सारे पार्ट्स करने वाली हूँ मिंत्रा हॉल के जो बैक टू बैक आने वाले हैं, वेस्टर्न वेयर भी और ये इंडियन वेयर भी. सो पहले ये सारे वीडियोस अपलोड हो जाए उसके बाद ही मैं ट्राई ऑन हॉल का सीरीज चालू करूँगी. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाइट ड्रेस बता देती हूँ. मुझे व्हाइट या क्रीम बोल दो या फिर ऑफ व्हाइट, मुझे तो ये ऑफ व्हाइट लग रहा है. बट ये जब आया था तब मैं पहली बार ऑनलाइन से इतने अच्छे कपड़े आना मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. बट मैंने सोचा एक बार ट्राई करके मंगवा दूँ, देखती हूँ कि आता है कि नहीं सही से. क्योंकि कई बार हमने शॉपिंग की है मैंने आपने और देखी होंगी आपने कि जो दिखाते हैं वो नहीं आता है. सो इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी कि जो वो लोग ने दिखाया, जो क्वालिटी वो लोग ने दिखाया वो ही सेम टू सेम आया है. सो ये है ड्रेस, उसका बहुत ही प्रिटी ड्रेस है ये. इसमें कॉलर बनी हुई है जो कि बहुत ही अच्छा लुक देगा. इसकी स्लीव्स पे भी अच्छी खासी पैटर्न बनी हुई है. So, ये पूरा ड्रेस बहुत ही अच्छा लगा मुझे. ये बॉर्डर भी काफी अच्छी दी है ये लोग ने. फोकस कर रहा है यहाँ से, सॉरी बट ट्राई एंड ऑन में आप तो अच्छे से देख ही लोगे. इसकी क्वालिटी मैं बता देती हूँ आपको, ये पूरा जॉर्जेट कपड़ा है और अंदर भी ये लोग ने अस्तिन दी हुई है. सो ये काफ़ी अच्छा है. इसकी ब्रांड का नेम है अनूप बाय मिंत्रा. सो ये मिंत्रा की ही एक ब्रांड है जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है. आई थिंक ये क्वालिटी और इसकी प्राइसिंग भी मैं अभी आपको बताती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे. जब मैंने ये मंगवाई, सो गाइस जब मैं इसकी प्राइस मॉम को बताई, मॉम को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मेरे सिस्टर्स को भी बहुत पसंद आया. मॉम ने प्राइस सुन के शॉक हो गई कि इतने कम प्राइस में ये ऐसा सूट जैसे सिलवाते सेम वैसा लग रहा था. तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जैसा ये कपड़ा है और इसकी क्वालिटी, इसका वर्क वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है. एंड और तो और ये काफ़ी हद तक सस्ता भी है. ये दुपट्टा भी आप देख लो, इसका 1 साइड यहाँ पर डिज़ाइन दिया ये लोग ने और यहाँ पे एक स्मॉल डायमंड जैसे लगे हुए हैं. ये भी पूरा जॉर्जेट है और काफ़ी लॉन्ग भी है और हेवी भी है पकड़ने में. एकदम लाइट वेट वाला दुपट्टा जो होता है जो एकदम लुक बहुत ही बेकार दे रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत ही चीप क्वालिटी का है. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है. और इसकी जो बॉटम्स है वो भी वो लोग ने अंदर जो अस्तीन लिए थे उसकी है. सो अंदर तो कोई देखने नहीं जाने वाला है. बट या ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसकी प्राइसिंग मैं अभी बताती हूँ आपको. तो गाइस इसकी प्राइसिंग 2500 अराउंड है, 2.5K.
लाइक सीरियसली गाइस, अगर हम ड्रेस कोई लेने भी जाए तो 1,000-1,500 तक हमें कोई भी सूट पीस पड़ता है, और उसको सिलाने में उसकी स्टिचिंग अलग रहती है, सो महंगा तो पड़ ही जाएगा वैसे भी। तो ये 2,000 में कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी डिज़ाइन वगैरह और फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और जब मैंने ली थी तब आई थिंक मुझे 2,100 रुपीज़ में पड़ा था, और लाइक अभी इसकी प्राइस आपको 2,500 के अंदर पड़ जाएगा, प्लस शिपिंग चार्जेस अलग रहेंगे। बट अगर आप कुछ ज़्यादा साथ में मंगा रहे हो तो वो शिपिंग चार्जेस कट जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके गाइस, सो जो नेक्स्ट है वो दीपिका पादुकोण की ब्रांड है, ऑल अबाउट यू, आपको सुना तो होगा, मिंत्रा पे है। इसका कपड़ा काफ़ी पतला है, आई थिंक ये समर्स में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है, जिसको इंडियन वेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये मैं बताऊँ तो इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बट मुझे कहीं ना कहीं से टाइट या कहीं से लूज हो रहा था, क्योंकि अपना बॉडी फिगर ही सेम तो रहने नहीं वाला है, मैं मोटी जो हो गई हूँ तो क्या करूँ, भी मेरे को ज़्यादातर टाइट ही होने वाला है। बट हाँ, बैक काफ़ी डीप है इसका, आगे का भी अच्छा ही है, बट मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं ये डीप पैक करवा लूँ, या फिर ऐसे ही सही है, जैसा भी देखती हूँ मुझे जैसा कंफर्टेबल लगा तो। सो बट या बट ये काफ़ी पतला है, अगर आपको एकदम पतले कपड़े पसंद है उन्हीं लोग के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, जिनको मतलब इसके अंदर आपको इनर पहनना पड़ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से बहुत ही पतला दिख रहा होगा, मेरा हाथ दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, बहुत ही पतला है ये। सो जिनको बहुत ज़्यादा पतले कपड़े पसंद हैं और जो इनर वेयर, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप इनर पहनो इसके अंदर, अगर आप नहीं पहनोगे तो भी चलेगा, जैसा ये आपको अच्छा लगता है, बट ये समर्स में पहनने का काफ़ी अच्छा है ये पूरा। और यहाँ पे यहाँ पे दोनों साइड पे आई थिंक ये लोग ने पॉकेट भी हुई है, लेट मी चेक, हाँ दोनों साइड पे ये लोग ने पॉकेट भी हुई है, तो पता नहीं क्या नीड है इसका, बट ठीक है, अभी इसका भी ट्राई करने के लिए मैं बहुत ही बेताब हूँ। इसकी ये प्लाजो है, अब ये तो पतला है तो वो तो चल जाएगा, क्योंकि और या गाइस इसका जो दुपट्टा है वो ऑरेंज पे है, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। डोंट वरी, इसके गले पे जो है पाइपिंग बनी हुई है वो ऑरेंज ही है, इसकी लाइनिंग ऑरेंज है, सो डोंट वरी। इसका ये पीछे का जो डोरी दी हुई है वो भी ऑरेंज है, सो ये काफ़ी मैच कर रहा है, इसका लुक बहुत ही अच्छा देगा, अगर आप वैसे ड्रेसअप करोगे मेकअप वगैरह एंड हेयर स्टाइल के साथ तो ये बहुत ही अच्छा जाएगा। आपकी कोई भी लाइट वेट आपको पसंद है फेस्टिवल में पहनने के लिए तो ये भी मैं रेकमेंड करूँगी आपको। और इसकी प्राइस है 2,990 रुपीज़ जब मैंने बाई की थी, परचेज की थी, अभी मैंने देखी इसकी प्राइस काफ़ी उतर गई है, 2,200 के आसपास ऐसे कुछ है, सो काफ़ी छोटा सा डिफरेंट है, बट कोई बात नहीं, ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा आपको। और मैं साइज़ बताना भूल गई, और इसकी साइज़ एक्सेस है, और ये वाइट वाला ड्रेस जो मैं आपको बताई पहले फर्स्ट, उसकी साइज़ मैं बताना भूल गई थी, सॉरी, इसकी साइज़ स्मॉल है और ये एक्सेस है, क्योंकि काफ़ी डिज़ाइन ब्रांड वाले बहुत ही फिटिंग अलग अलग बनाते हैं, तो आप थोड़ा फिटिंग देख के ही लेना, आपसे ज़्यादा लूज भी मत लेना, क्योंकि इंडियन वेयर में ना ज़्यादा सूट नहीं करता है, वेस्टर्न वेयर में तो हम लूज वैसा पहनते ही है, वैसा स्टाइल कर सकते हैं, बट इंडियन वेयर में नहीं कर सकते, सो मैं बेटर सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी फिटिंग देख के ही लो। सो अभी बची है दो कुर्ती, जो एक मरून है एंड एक ब्लैक है, तो पहले मैं आपको ये ब्लैक कुर्ती बता देती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी जब मैंने इसको पहना था, ट्राई की थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, कपड़े की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी, फिटिंग जो है यहाँ से यहाँ और स्लीव्स की जो फिटिंग है वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है, मतलब एक गेटअप भी उसका अलग आता है, अगर आप ड्रेस करोगे तो, अगर आप इसको जीन्स के नीचे पहनना चाहते हो या प्लाजो लेगिंग या आपको जैसा सही लगे आप करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्लैक पूरी ए लाइन की कुर्ती है, सो इस पर लुक काफ़ी अच्छा देगा, जैसा आप ड्रेसिंग करना चाहो वैसा कर। सो ये भी साइज एक्सेस है, मेरी जो साइज़ है वो, तो गर्ल्स मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ का मेन चेक करो पहले कि आपको यहाँ से फिट हो रहा है कि नहीं, साइज़ अगर आपकी जो भी साइज़ है उसका एक साइज़ बड़ा लो
या तो फिर वही साइज लो ताकि वो फिटिंग अच्छी आए। तो मैंने जब ली थी इसकी प्राइसिंग 943 थी, अभी मैंने देखी तो कुछ 800 अराउंड हो चुका है, बट अभी आउट ऑफ स्टॉक है। जब तक ये वीडियो जाएगा आप लोग देखो शायद स्टॉक में आ भी जाए। सो या ये कुर्ती मस्ट बाई अगर आप ब्लैक लवर हो मेरी तरह। और गाइज ये लास्ट कुर्ती है मरून, और ये मेरी सबसे फेवरेट कुर्ती है बिकॉज इसकी फिटिंग, ये तीनों ड्रेस जो मैंने अभी बताई उससे ज़्यादा इसकी फिटिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। हालांकि ये एक पता नहीं ये लोग की मिस्टेक थी या फिर मुझे ऐसा लग रहा है, बट मुझे तो ऐसा गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ आगे कोई भी पीछे का जो फिटिंग डोरी देते हैं वो आगे है ये लोग ने फिट की हुई, जो मुझे बहुत ही अजीब लगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आई मीन कौन देता है, शायद वो लोग बाय मिस्टेक ये भेज दिए क्योंकि इसका शोल्डर का पार्ट यहाँ पे आ रहा है और ये ऑलरेडी एक पीछे के तक दिया ही है, और ये एक दोनों पीछे आना चाहिए तो एक आगे है और एक पीछे है। सो ये मुझे टेलर के पास जाके ठीक करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ट्राई ऑन हॉल कर पाऊँगी इसका जल्दी से जल्दी। सो मैं ट्राई करूँगी। बट या गाइज ये जो तीनों तीन कपड़े मैंने बताए उसके कपड़े थोड़े से आपको हार्ड लगेंगे, मतलब थोड़े हार्श लगेंगे, बट ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और या एक बात का ध्यान रखना कि जो भी डार्क कलर रहते हैं उसके कलर जाने का चांसेस रह सकता है। तो इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी है, ये भी ए लाइन कुर्ती है और इसमें कोई कट नहीं दिया है, ब्लैक वाला में बीच में कट था। एंड गाइज इसकी फिटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। सो इसकी बैक भी थोड़ी डीप है, अगर आपको कम बैक चाहिए तो आप, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी लेना क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि हर ड्रेस में आगे फिट किया होगा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमें बार बार टेलर के पास जाके सही करवाना पड़ेगा। हालांकि घर पे जिनको आता है वो कर सकते हैं, बट मुझे तो टेलर के पास जाना पड़ेगा ही। बट मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है कुर्ती, ट्राई ऑन हॉल करूँगी, आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। गाइस इसका भी कपड़ा थोड़ा पतला है बट ये आर पार नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, लाइट में जाओगे तो शायद हल्का सा दिखे बट ज़्यादा नहीं दिखेगा। कि साइज है स्मॉल, एस साइज है, और मैंने परचेज की थी तब 1230 रुपीस में था, और अब जब मैंने देखी इसकी प्राइस 930 रुपीस हो गई है। मतलब मुझे थोड़ा लेट से लेना था बट अब ये आउट ऑफ स्टॉक है, और जब तक आप वीडियो देखोगे शायद तब तक स्टॉक में आ भी जाए और कभी कभार नहीं भी होगा। लिंक सारे आपको, सारे कपड़े की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। अगर लिंक आप जाओ लिंक के अंदर और प्रोडक्ट नहीं मिले तो समझ जाना कि आउट ऑफ स्टॉक है, प्लीज़ फिर आप आके मुझे पूछना मत मैम ये लिंक काम नहीं कर रही है, कभी कभार ऐसे लोग बोलते हैं, बट गाइज वो आउट ऑफ स्टॉक रहता है इसलिए आपको फिर वो शो नहीं करता। सो या आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको ये सारे क्लोथ्स पसंद आए हो। मैं क्वालिटीज वगैरह आपको बता सकती हूँ कि सबकी बहुत अच्छी है, मुझे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है, और फिटिंग मेन कैसी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कि क्योंकि एक लुक अगर आप कर रहे हो तो लड़की लोग को तो पता ही होगा हमको कैसे टाइप के कपड़े चाहिए, एकदम परफेक्ट होने चाहिए। बट हालांकि सब ब्रांड्स अलग है, कोई भी एक तरह की फिटिंग नहीं बनाते, सो इसलिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाती हूँ कि आप लोग को भी थोड़ी आइडिया मिले और ये ज़्यादा वीडियो लॉन्ग भी ना हो। सो या प्लीज़ गाइज इसका ट्राई ऑन हॉल जल्दी आने वाला है, सो आप वेट करना, और जब भी ट्राई ऑन हॉल आ जाएगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो या आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन दैट बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफाइड फर्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।